हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, पांच सवाल सॉल्व करेंगे आज हम इकोनॉमी के। दोस्तों, इकोनॉमी वीक 3 2020 प्रीमिक्स का हमारा ये इनिशिएटिव कहलाता है, जहां पर हम कितने टाइम से दोस्तों, ऑलमोस्ट अब 3 साल प्लस हो गए, हम पांच सवाल हर शाम सॉल्व करते हैं। तो आज के ये टॉपिक्स रहेंगे जिन पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, तो दोस्तों इसके सॉरी सबसे पहले सवाल के पहले अनाउंसमेंट है मेंस अड्डे। अगर आप 2020 या 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो हम हर रोज़ एक क्वेश्चन जो मेंस से ताल्लुकात रखता है उसको कवर कर रहे हैं। आप भी उसको कवर कर सकते हैं, साथ साथ में क्वेश्चन पढ़िए, अपना आंसर बनाने की कोशिश कीजिए, देन मॉडल आंसर या सोल्यूशन को सुन लीजिए, ठीक है दोस्तों। हर सुबह ये पोस्ट किया जा रहा है, मेंस के पहले ये हमारा इनिशिएटिव रहता है। ऑलराइट दोस्तों, चलते हैं आगे। अब पहला क्वेश्चन हमारा ये ग्रे लिस्ट के बारे में है। ग्रे लिस्ट बहुत न्यूज़ में रहता है, ये IMF रिलीज करता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा, इसको जुरिस्डिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग कहा जाता है। दूसरा, पाकिस्तान इकलौती ऐसी कंट्री है जो ग्रे लिस्ट का पार्ट है भी, एंड बाकी अगर देखें कंट्रीज जो इस लिस्ट में है वो IMF, वर्ल्ड बैंक एट्सेट्रा से भी, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन से भी इकोनॉमिक सैंक्शंस फेस कर सकती हैं अगर वो ग्रे लिस्ट में आ गई, ठीक है दोस्तों, जो उनके ट्रेड को इंपैक्ट करेगा। तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, ठीक है। यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑलराइट, तो पहला है 1 एंड 2, 3 एंड 4, 2 एंड 4 या 1 एंड 3 ओनली। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। यहां पे चार स्टेटमेंट्स हैं, तो चारों को आपको एनालाइज करना होगा, एंड कुछ जो देख सकते हैं कि नहीं ये तो पक्का ही गलत है। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे पता है ग्रे लिस्ट IMF इशू नहीं करता, तो 1 वाली ऑप्शन मैंने हटा दी, ठीक है, तो एलिमिनेट कर सकता हूँ। 4 मुझे दोनों में नजर आ रहा है, तो या तो आंसर 2 है या 3। तो अच्छा, 3 में लिखा है पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री, नहीं ये बात भी सही नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट द ओनली कंट्री इन ग्रे लिस्ट। जो ग्रे लिस्ट जो FATF की ग्रे लिस्ट होती है दोस्तों, बहुत न्यूज़ में रहती है इसी का, जो उसमें 18 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान इज नॉट द ओनली कंट्री। तो 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब देखें तो FATF ने इसका जो गठन किया था 1989 में, जो फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है, एंड कि इसमें कि जो टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा को रोकने के लिए इसको जो गठन किया गया था। ब्लैक लिस्ट कंट्रीज होती हैं तो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही, एंड बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है इनके खिलाफ। ग्रे लिस्ट कंट्रीज हैं, एक्शन ले रही हैं, ठीक है, जो रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को एंड जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है उसको रोकने के लिए एक्शन ले रही हैं, लेकिन इनफ एक्शन नहीं है। अभी देखें तो 18 कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को मिलाकर ग्रे लिस्ट में हैं भी, एंड पाकिस्तान पर बहुत सारे जो वहाँ पर डेफिशिएंसीज एक्सेट्रा के जो अभी वहाँ पर उन पर जो इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि आपने इनफ एक्शन नहीं लिया, तो इंडिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड कर रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। तो लेकिन उसके बियॉन्ड देखें तो IMF, वर्ल्ड बैंक के भी बहुत सारी ट्रेड सैंक्शंस लग जाती हैं अगर कंट्रीज ग्रे लिस्ट में रहती हैं। ऑलराइट, तो अभी पाकिस्तान लेकिन अटेम्प्ट कर रहा है, चाइना भी मदद कर रहा है पाकिस्तान की कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आए। चलिए दोस्तों, ब्लैक लिस्ट के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा कि दो कंट्रीज़ उसमें ब्लैक लिस्ट का पार्ट रह चुकी हैं, ठीक है, कौन सी दो कंट्रीज थी प्लीज़ एक बार जानने की कोशिश कीजिए, हमने अपने प्रीवियस प्रीमिक्स में कवर भी किया हुआ है। ओके, तो अब अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपने बताना है इनकरेक्ट रिगार्डिंग एडिशनल Tier 1 बॉन्ड्स। हमने इस पर स्पेसिफिक मैंने एक प्री क्योर भी बनाया था, तो अगर आपने रिवाइज किया तो आपको आता होगा, एंड अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसे भी आता होगा। तो इनकरेक्ट बताना है अपने एडिशनल Tier 1 बॉन्ड्स के बारे में। पहला, इनकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती, क्या ये बात सही है गलत। दूसरा, जो इशूइंग बैंक है जो इसको इशू करता है उसके पास ऑप्शन रहती है कि कभी भी इसके जो भुगतान करके बॉन्ड्स को कॉल बैक कर सकता है, कभी भी, ठीक है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, है ना, नॉट कभी भी, ऐसा नहीं कि अगले दिन ही कर दिया, नहीं, एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद कभी भी इसको कॉल बैक किया जा सकता है। ऑलराइट, तो बताइए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट। थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करना सीखिए अभी से कि कैसे जो कैलकुलेटेड गेस आपको अगर लगाना है तो कैसे लगाएं। तो राइट आंसर यहाँ पर कि कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ही करेक्ट है। जो एडिशनल Tier 1 बॉन्ड्स रहते हैं, अभी रिसेंटली सेबी ने इस पर और कमर कस दी है, और जनरली ये अनसिक्योर्ड लोन्स रहते हैं एंड जो बॉन्ड्स रहते हैं, एंड बैंक्स वगैरह इनको क्यों खरीदते हैं, क्योंकि जो बाजल नॉर्म्स हैं जिसमें बैंक्स के पास जो कैपिटल बेस होना चाहिए, उसमें जो Tier 1 मतलब सबसे अंदर वाला मजबूत वाला जो कैपिटल बेस बैंक का रहेगा, जिसको कोर कैपिटल भी कहा जाता है, तो उसके लिए जो इसको AT1 बॉन्ड्स, क्योंकि इनका नाम भी देखिए ना एडिशनल Tier 1 बॉन्ड्स, Tier 1 बॉन्ड्स तो ही है लेकिन और एक्स्ट्रा जो आपके कोर कैपिटल को और बूस्टअप करेंगे, बैंक को और मजबूत बनाएंगे, तो उसके लिए इनको इशू किया जाता है। इनके रेट थोड़े हायर रहते हैं, मेच्योरिटी डेट कोई भी नहीं होती, क्योंकि बैंक का कैपिटल तो हमेशा ही बना चाहिए ना, तो इसीलिए ये इनकी मैच्योरिटी डेट नहीं होती, लेकिन बैंक्स इनको कॉल बैक कर सकते हैं। बैंक्स इनका जो अपना बकाया पे करके, क्योंकि उधार है ना बैंक्स पर, तो इसको कभी भी जो बैंक उधार पूरा करके इसको कॉल बैक कर सकते हैं, एंड बाकी इसी
इसी कारण अभी जैसे रिसेंटली काफ़ी इसमें जो स्कैम एक्सेट्रा की बातें हुई थी कि एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स को लेकर, तो इसलिए अभी इस पर सेबी ने थोड़ी रेगुलेशन को टाइट कर दिया है। ओके, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे बताना है कि सिंपल बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपको प्रीलिम्स में भी ऐसे आसान सवाल बहुत दिखते हैं, बस पहचानने आने चाहिए। तो हमें बताना है कि 8 जो हमारी कोर इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें से कौन सी इंडस्ट्री इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट एंड नेचुरल गैस। तो बताइए इसमें से कौन सी इंडस्ट्री 8 कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट नहीं है। ठीक है, ओके, बताइए। राइट आंसर इज फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल नहीं है दोस्तों, 8 हमारे जो कोर इंडस्ट्रीज हैं ये रही कोर इंडस्ट्रीज। एंड इनफैक्ट IIP पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो है कोर इंडस्ट्रीज में। आप मुझे एक सवाल का जवाब प्लीज और दीजिए कि बताइए मुझे हाईएस्ट वेटेज किसका रहता है कोर इंडस्ट्रीज में। इन 8 इंडस्ट्रीज के में देखें तो हाईएस्ट मैक्सिमम वेटेज किसका है। ठीक है, तो बताएंगे आप। ऑल राइट, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एंड ये है कि जो प्रीलिम्स 2011 में सवाल आया था कि एक जो 3 एक्शंस की बात हो रही है, डोमेस्टिक करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया जाए, देन एक्सपोर्ट सब्सिडी को रिड्यूस कर दिया जाए एंड FDI FII को और बढ़ावा दिया जाए पॉलिसीज को अच्छा बनाकर। तो इन तीनों चीज़ों के इनमें से कौन से एक्शन से हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस कर सकते हैं, कि सरकार कौन से इनमें से कदम उठाए कि हमारा CAD रिड्यूस हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, हमने इसको कवर भी किया हुआ है अपने जो लेक्चर्स में, यूट्यूब पे भी कवर्ड है, अगर पेड प्रोग्राम का पार्ट है वहां तो डेफिनेटली कवर्ड है ये, लेकिन यूट्यूब पर भी हमने इसको कवर किया हुआ है ढंग से। तो राइट आंसर में से जो आप पहले ऑप्शन देख लीजिए कौन सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है जो कि आपको लगता है कि CAD को रिड्यूस करेगी। एंड राइट आंसर इज कि 1 और 2 करेंगी, 3 नहीं करेंगी, क्योंकि करंट अकाउंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, जो बिल्कुल अभी शॉर्ट टर्म वाली चीजें हैं, जैसे एक साल में जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो हमारा जो दुनिया से पैसा आ रहा है या हम दुनिया को पैसा भेज रहे हैं, तो उसका जो टोटल एक बही खाता बनेगा उसको करंट अकाउंट कहा जाता है। एंड उस अकाउंट है ना, अकाउंट बना रहे हैं तो करंट अकाउंट। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म वाला है वो कैपिटल अकाउंट। FDI जो हमारे वगैरह जो है FIIs, ये लॉन्ग टर्म में है, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनेंगे। ज्यादा FDI FII आने से करंट अकाउंट को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन 3 हमने हटा दिया एंड उसके कारण हमारी ये तीनों ही ऑप्शन चली गई, एक ही ऑप्शन बची 1 और 2। ओके, तो यहां पर वही बता दिया ऑप्शन 3 विल इंपैक्ट दिस, अदरवाइज बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, जो आप उसको देख सकते हैं कि करंट अकाउंट में क्या क्या अंदर कंपोनेंट्स रहते हैं। पूरा का पूरा कंप्लीट लेक्चर है हमारा जो YouTube पर अवेलेबल, डेफिनेटली देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपने बताना है, रिसेंटली न्यूज़ में बात भी आ रही है जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की, कि उसमें कि हम देश को अपना खुद से सेल्फ सफिशिएंट बनाएं और जैसे दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग को चाहते हैं हम यहाँ पर बुलाएं एट्सेट्रा। ठीक है, और जैसे एप्पल के जो हम चाहते हैं एप्पल भी की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, चाइना से ना हो एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं हम। तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात भी हो रही है लगे हाथ, तो बताना है उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। पहली, वो कह रहे हैं ये एक ऐसी पॉलिसी है जो हमें क्या है बहुत इनकरेज करती है कि हम जो बाहर से जो हम अगर जो इंपोर्ट करते हैं उसको और ज़्यादा इंपोर्ट करें, इनकरेज करें, ताकि हम इंडस्ट्रियलाइज गुड्स की प्रोडक्शन देश में इंक्रीज कर सकें। ठीक है, बाहर से ज़्यादा हम जो सामान मंगवाएं ताकि हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो सके। दूसरा, यहाँ पर कह रहे हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इसलिए सरकार इंक्रीज करने के लिए, स्पर अप करने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार यूजुअली बहुत सारी सब्सिडीज भी देना शुरू करती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज को। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो सोचिए समझिए एंड थोड़ा सोच समझ कर इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ राइट आंसर इज 2 ओनली। सरकार जो अगर इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन की बात हो रही है, सरकार डिस्करेज करती है फॉरन इम्पोर्ट्स को कि बाहर से सामान नहीं मंगवाएंगे, खुद घर में ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है, स्टेटमेंट 1 इसलिए इनकरेक्ट हो जाती है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात की जाती है। एंड देन उसके बाद जो कंट्री देखें कि फॉरेन डिपेंडेंस कम करने की बात है यहां पर एंड इंटरनल मार्केट डेवलप करेगी सरकार, उसके लिए बहुत सारी जो कंपनीज इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज भी कर देती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, टैक्सेस इंक्रीज कर देती है, अगर आपने बाहर से सामान मंगवाया एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ेगी। एंड जैसे ताइवान चाइना ने यह पॉलिसी अपनाई थी, बहुत रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज हुए, इंडिया ने पॉलिसी अपनाई, इंडिया में बहुत डिजास्टर्स रही एंड हमारे पास जो बहुत सारा जो धन दौलत होना चाहिए था और जो हमें एक्सपोर्ट करने के कारण हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते, दुनिया से कट गए बिल्कुल, तो इसीलिए हमारे लिए अच्छी पॉलिसी नहीं रही, हमने वो वाली जो विंडो थी काफी बुरी तरह मिस कर दी जो 30-40 साल की ग्रोथ रेट हो सकती थी। लेकिन अभी जैसे अभी बात हो रही है
तो इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं, अभी इवन रघुराम राजन जी ने भी अपने लेक्चर में रिसेंटली ही कहा कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो इस वक्त हमारी दुनिया हमारी कंट्री के लिए काफ़ी डिजास्ट्रस हो सकता है, हमारी बहुत डिपेंडेंसीज हैं, जैसे हमें कच्चा तेल एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें बाहर से चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि इम्पोर्ट आना कोई बुरी बात नहीं होती, अगर आपके पास कैपेसिटी है उसको अच्छे से प्रोसेस करके आप उसको एक्सपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 रुपये का सामान अगर आप उसमें वैल्यू एड करके उसको 50 में 100 में बेच सकते हैं तो वाई नॉट, ठीक है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने बनानी है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो हमें इम्पोर्ट से डरना नहीं है, इम्पोर्ट को वैल्यू ऐड करके प्रोसेस करके और पैसे कमाने और फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये अभी जो चलो मेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं आंसर को, लेकिन ये 5 सवाल थे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, लेक्चर का खात्मा, ठीक है। अनाउंसमेंट्स की शुरुआत, अनाउंसमेंट सबसे पहले अनाउंसमेंट तो वही है कि 2021 का जो लास्ट बैच है, बैच नंबर 4, वो शुरू हो चुका है सभी सब्जेक्ट्स का, चाहे वो जनरल स्टडीज़ की बात करें, चाहे वो आप अपने ऑप्शनल की बात करें जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी ऑफर करते हैं, एंड देन या फिर एसए की बात करें, ये हमारे जो तीनों कोर्सेज हैं इसका लास्ट बैच है 2021 के लिए, क्योंकि इसके बाद हम 2021 को इतना इत्मीनान से कवर नहीं कर सकते, ऑलरेडी थोड़ा तेज चलेगा लेकिन स्टिल, ठीक है। जिसमें हमारे बैचेज में आपको पता है कि आपको मेंस की आंसर राइटिंग भी मिलती है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलती है एंड प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स मिलता है। तो ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान रखना दोस्तों। मेंस 2020 के लिए भी कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो एसए का कोर्स हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस जनरल स्टडीज में क्रैश हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, सोशियोलॉजी का भी टेस्ट एंड क्रैश हमारा चल रहा है। बाकी ये हमारी वेबसाइट है sleepyclasses.com, टेलीग्राम के चैनल पर भी जाकर आप हमारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। रेगुलरली बहुत सारे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आती तो हम उस वीडियो को हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देते हैं ताकि बच्चों तक वो वीडियो पहुंच जाए। ऑलराइट, तो ये थे हमारे 5 सवाल, और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत से ही कुछ हमें अंत में रिजल्ट लेगा। एक एक दिन ऐड होगा तो आखिरी दिन जब हमारा रिजल्ट आएगा हमारा नाम दिखेगा हमें, ठीक है। तो इसलिए एक एक दिन की अहमियत समझना बहुत जरूरी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।